राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ संकष्टि चतुर्थी व्रत कथा। बंधुओं, संकष्टि चतुर्थी हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। बंधुओं, इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है, इसे संकष्टि चतुर्थी भी कहा जाता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी संकष्टि चतुर्थी का व्रत करते हैं उनके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आते, अर्थात उन्हें आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। बंधुओं, जो व्रत नहीं भी करते हैं वे यदि संकष्टि चतुर्थी की कथा सुनते हैं तो उनके भी सभी आर्थिक संकट सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनें, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान लिखना ना भूलें। बोलो गणेश भगवान की जय हो, संकट चौथ माता की जय हो। एक बुढ़िया का लड़का सवेरे गाय चराने जंगल में जाता था और शाम होने पर घर पर वापिस आ जाता था। सारे दिन की मेहनत के बावजूद भी वह सिर्फ 8 पैसे रोज के कमाता, जिससे माँ बेटे का गुजर बसर होता था। बुढ़िया का चौथ माता का व्रत था और बुढ़िया चौथ की कहानी सुनने का व्रत और नियम करती थी। व्रत के दिन 5 लड्डू बनाती, 2 चौथ के विनायक के और 1 अपना। इस तरह नियम पालन करने से वह मोटी होती जा रही थी। आस पड़ोस की महिलाएं इस बात से जलती थी। उन्होंने बुढ़िया के लड़के को बहकाया। लड़के ने सोचा, मैं तो सारे दिन मेहनत करके सूखी रोटी खाता हूँ और मेरी माँ घर बैठे बैठे लड्डू खाकर मोटी होती जा रही है। इसी सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने नहीं गया और छुप कर बैठ गया। उस दिन चौथ थी। बुढ़िया 2 पैसे का घी लाई, सदा की तरह 5 लड्डू बनाए और भोग लगाया। लड़का चुपके चुपके सारी रात देखता रहा। दूसरे दिन वह बुढ़िया से बोला, माँ मैं कमाने के लिए जाऊंगा, यहाँ कमाई बहुत थोड़ी है। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तो बुढ़िया ने कहा, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, चले जाओ। पर बुढ़िया ने जाते समय कुछ अनाज के दाने और 1 पानी की कलशी उसे दे दी। इनसे वह रोज कहानी सुना करती थी। जाते समय बुढ़िया ने समझाया कि ये दोनों चीजें तेरी संकट में सहायता करेंगी, सो सदा अपने पास इन्हें संभाल कर रखना। सवेरे होते ही वह निकल गया और चलते चलते राह में एक नदी आई। बरसात का मौसम था, नदी में पानी चढ़ा हुआ था, पार जाने का कोई राह नहीं था। बड़ा दुखी हुआ। बुढ़िया की बात याद करके उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और विनती की, हे चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती थी तो बहता पानी कम हो जाए और मुझे पार जाने का राह मिल जाए। इतना कहकर कलश में से पानी लेकर छींटे दिए, राह मिल गया, लड़का पार हो गया। आगे जंगल में पहुंचा तो एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने झट अनाज के दाने हाथ में लिए और विनती की, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए हैं तो यह सिंह गाय बन जाए। पानी के छींटे देते ही शेर गाय बन गया और चरने लगा। लड़का आगे निकल आया। सांझ होते होते एक गांव में जा पहुंचा। गांव में घुसते ही एक बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर बुढ़िया से रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया करके हाँ भर ली, वह ठहर गया। रात को उसने देखा, बुढ़िया माल पुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने अचंभा किया। बुढ़िया ने बताया, बेटा यहाँ का राजा
छठे महीने एक पकवान पकाता है और पकने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है। उसका नियम यह है कि बारी बारी हर घर का एक आदमी लिया जाता है। आज मेरे सातवें लड़के की बारी है, उसको आज मालपुए खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले मैं जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन मरता है, मैं तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं मैं जाऊंगा, ला मालपुए मुझे खिला दे। बुढ़िया ने मालपुए खिला दिए, लड़का खा कर सो गया। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया। बुढ़िया ने उसे लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज की और बड़बड़ाना शुरू किया। लड़के की आंख खुली, बात समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को संभलाई, कहा मैं आकर ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल कर तो रख दूंगी, पर मैंने तो गए हुए को आज तक वापिस आते नहीं देखा, पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लड़का चला गया। जगह पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया और अनाज के दाने निकालकर पानी की घंटी ली और चौथ विनायक को याद करके अपने चारों तरफ देखा और एक चौकी पर बैठ गया। कजावा चिनकर आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुछ कम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उनके हाथ में से एक पत्थर का टुकड़ा उछल कर कजावे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तनों की टंकार निकली। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने अचंभा किया। नौकर चाकर भेजे गए। कजावा खोला गया, कहां से पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों कजावा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी भी हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि यह आदमी की ही आवाज है तो तुम डरो मत। आखिर सारा कजावा खोल दिया गया। चौकी पर हंसता हुआ वह लड़का बैठा हुआ था। चौकी के चारों ओर जुआरे हो गए थे, पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा। लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ विनायक का व्रत करती थी, उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह अनाज और पानी का कलश दिया। राजा ने भाग्यवान लड़का देखकर अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया और चौथ व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटों की बहुओं ने ननद को ताना मारा, बाई जो पेट से निकले हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माए जहां मायका, सास जहां ससुराल। लड़का भी बात समझ गया और राजा रानी से आज्ञा ली और अपने गांव को अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने उपलों के ढेर पर चढ़कर देखा, बेटा बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ के व्रत का ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सब कोई चौथ का व्रत करे, कहानी सुने, 12 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 महीने चौथ के व्रत जरूर करें। बोलो चौथ विनायक की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।